महिला को सपने में दिखे भगवान शिव, कहा मैं इस जगह दबा हूं, मुझे बाहर निकालो। आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में। मथुरा से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां प्राचीन राधा रमण मंदिर की सीढ़ी के नीचे भगवान शिव की मूर्ति दबे होने के सपने को सही मानकर गांव वालों ने रास्ते की खुदाई कर डाली। ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों का हुजूम लग गया। वहीं देर शाम मूर्ति ना मिलने पर गड्ढे को बंद कर दिया गया। मामला बनारस से 4 किलोमीटर दूर स्थित संकेत गांव का है। 12 साल पहले भारती पंडित की लड़की मंजू की शादी कल्याणपुर गांव में हुई थी। मंजू का दावा है कि रोजाना उसके सपने में भगवान शिव आते हैं और उससे कहते हैं कि गांव में राधा रमण मंदिर की पहली सीढ़ी के नीचे जमीन में दबा हुआ हूं, मुझे खुदाई करके यहां से निकालो। मंजू ने लोक लज्जा के कारण इस सपने के बारे में पहले किसी को नहीं बताया, लेकिन जब उसे रोजाना शंकर जी के सपने आने लगे और वो सपने में आकर कहने लगे, तो वो बीते मंगलवार को अपनी ससुराल से संकेत गांव अपने मायके आ गई। इसके बाद सारी बात अपने माता पिता को बताई। पिता भरती ने गांव प्रधान जयपाल व ग्रामीण बुद्धा पहलवान याद राम, राधा किशन शंकर, मोहन श्याम, नरसीपाल, निर्तो, कन्हैया, किस्नू, हेतराम आदि को सपने वाली बात बताई, तो ग्रामीणों ने मजदूर लगाकर मंदिर की सीढ़ियों के नीचे रास्ते को खोदना शुरू कर दिया। मंदिर के रास्ते की खुदाई और शंकर जी की मूर्ति दबी होने की बात गांव में आग की तरह फैल गई। इसके बाद महिला, बच्चे, पुरुष सभी मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। देखते ही देखते तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शाम तक 4 से 5 फीट की खुदाई हो जाने के बाद भी कोई मूर्ति नहीं मिली। वहीं देर शाम तक भी मूर्ति नहीं निकली, तो गांव वालों ने खोदे गए गड्ढे को मिट्टी डालकर बंद कर दिया। तो इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।